दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सचिन भैया और जेठू भैया के केसेस को सोल्व करने के लिए संसद भवन सीबीआई जांच के आदेश दे सकते हैं। यानी कि हर दिन जिस तरीके से नए केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं, हर दिन जो नया रहस्य निकलकर सामने आ रहा है, उसे सोल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये बहुत ही बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है। कहीं ना कहीं पूरे देश में अलग अलग जगह के क्रिएटर्स इस इंसिडेंट के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी कहीं से भी पकड़ा जा सकता है। धीरे धीरे नए नए खुलासे हो रहे हैं। कोई कहीं और से खुलासा कर रहा था, कोई कहीं और से खुलासा कर रहा है। हर जगह छोटे से लेकर बड़ा क्रिएटर सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना बड़ा और पेचीदा केस दोस्तों ऐसे नॉर्मली सॉल्व नहीं होगा। तो यही सुनने में आ रहा है कि पार्लियामेंट सीबीआई जांच का आदेश देने वाली है। तो मैंने तो आपको बता दिया कि क्या हो सकता है। यार मैं क्या बोलूं, केस ही इतना ज़्यादा पेचीदा हो रखा है कि मन कर रहा है कि सीबीआई जांच आदेश दे देना चाहिए। कभी मामला कहीं और चला जा रहा है, कभी मामला कहीं और चला जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि कौन किस बारे में डिस्कशन कर रहा है। कभी बीच में सृष्टि दी आ जा रही है, कभी सचिन भैया का, कहीं इशू गंगोर आ जा रही है, तो कभी रूम के अंदर की महिलाएं आ जा रही है, कभी रूम गंदा हो जा रहा है, तो कभी ऊंचे नीचे आवाज़ हो, मतलब कड़ी आवाज़ आ जा रही है, तो कहीं पर किसी का मुंह गंदा है, कोई बोलता ही ढंग से नहीं है। मतलब इतने सारे मतलब अजीबो गरीब केसेस निकल कर सामने आ रहे हैं, रहस्य निकल कर सामने आ रहा है। लग रहा है कि इसी साल सारे क्रिएटर्स एक दूसरे के राज खोल करके रख देंगे। तो होता है ना, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो खैर दोस्तों मजाक कर रहा हूँ मैं, जस्ट कॉमेडी बनाने की कोशिश किया था और हो सकता है साथ बहुत बकवास बनी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इच्छा है कि बहुत जल्दी ये सारा मतलब जो कंट्रोवर्सी है वो शांत हो जाए। खैर अब मतलब मामला ही इतना उलझा हुआ कि लगता है कि सीबीआई को आना ही पड़ेगा बीच में। खैर ये पूरी तरह मजाक है, थोड़ा हंस दो यार, थोड़ा सा मुस्कुरा ही दो। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दोनों जल्दी अपना मैटर ख़त्म करें और वापस से हम लोग बाकी नॉर्मल ब्लॉगिंग पर आते हैं। चलो थैंक यू सो मच।